पूनम जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी पूनम जी, हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरे को कमर में और कंधों में और ये टांगों में बहुत खिंचाव होती है मैम। हकीम साहब की कोई दवाई अपनाई आपने? नहीं, मैं बहुत दिन से प्रोग्राम देख रही, आज आपका कॉल लगाया, लग गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 38 साल। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, सब लोग कॉल कॉल लगने का इंतज़ार ना किया करें, नहीं तो बहुत से लोग बीमार रह जाएंगे। आप कुछ लोग बात सुनकर ही दवा ले लिया करें। गौंसिया आता है, एक बहुत अच्छा गोंद है, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। ये असली खरीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। हारून, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे 12 साल का बच्चा है, उसकी आंखों की नजर कमजोर है और एक डायबिटीज पेशेंट हूँ मैं भी, और मेरे नाक में कुछ अजीब सा सुलसुली सा महसूस होता है और चेहरे पे काफी रेती हो रही है और एक गंजापन है। बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल का बच्चा मैं। जी, बच्चे को क्या प्रॉब्लम? नजरे कमजोर। ठीक है। और ठीक है सर। डायबिटीज प्रेजेंट ही हूँ, अनकंट्रोल रहता है मेरा डायबिटीज। ठीक है ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखा करिए। और डायबिटीज़ के लिए एक गोंद मैं बताता हूँ। एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज असर दवा कहलाती है डायबिटीज में, दुनिया की आयुर्वेद में इससे तेज असर कोई दवा नहीं है। मेरे भी अनुभव में ऐसी दवा कभी नहीं आई जो इतनी तेज असर हो कि जिसको सिर्फ एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम खाने से डायबिटीज कंट्रोल होना मुमकिन है। अपनी दवाएं भी खाते रहें और ये गोंद जामुन इस्तेमाल करें, आप ये आपके लिए है। और बच्चे की जिसकी नज़र कमज़ोर है, उसे रोज़ाना 2 चम्मच सौंफ का पानी, सौंफ को उबालें, उसका पानी निकालें, 2 चम्मच सौंफ का पानी और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला और 2 चम्मच सौंफ का पानी में मिलाकर रोज़ाना पिलाया करें, आपके बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इनको गंजापन और झुर्रियाँ भी हैं हकीम साहब। हाँ देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप भी रोज़ाना 1 ग्राम दूध के या पानी के साथ ले लिया करें। स्वागत है आपका। हाँ जी, बहन जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। हाँ बहन जी। हाँ जी सर। हाँ मुझे शुगर है बहन जी। शुगर है आपको, पूरी बात कर लीजिए सर। देखिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, पूरी बात कीजिए, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंद। बताइए, शुगर है और क्या है? शुगर है जी, शुगर कंट्रोल नहीं होती जी। ठीक है ठीक हाँ है ठीक है जी। देखिए, जो दवा आप शुगर की खाते हैं वो तो खाना खाना ही है, वो खाते रहें। एक दवा मैं बता रहा हूँ, मामूली सी है, देखने में मामूली सी है लेकिन वो बड़ा तेज काम करती है। एक आता है गोंद जामुन, तो ये नकली भी आता है, असली लेना है। गोंद जामुन, जामुन का गोंद, बस एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम आप ये खाया करें। और जो दवा खाते हैं वो भी खाते रहिए, आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, निर्मला देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। हेलो।
मेरे पति के आंख में रेटिना दिख रहा है, तो उसके लिए कोई इसमें है दवाई? रेटिना दिख रहा है आंख में। देखिए, या तो गाजर का जूस या सौंफ का पानी, एक गिलास गाजर का जूस या दो तीन चम्मच सौंफ का पानी, सौंफ उबालिए पानी में और उसका पानी निकाल लीजिए, और इस पानी में गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप एक ग्राम मिलाकर रोज़ाना एक बार पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी, सुदेश जी बोल रही है। जी सुदेश जी, कहाँ से बात कर रही हैं? यमुनानगर से जी। जी बताएं, सवाल करें। जी मैं ना खड़ी नहीं हो सकती, ऊंची चौकी पे बैठ के खाना बनाती हूँ, घर का सारा काम मेरे से खाना नहीं बनता, मेरे टांगों में सहारा नहीं है, शरीर भी सारा वीकनेस में है। उम्र कितनी है आपकी? 61 साल, और घुटने में भी है, घुटनों का काढ़ा गोंद तो खा रही हूँ जी, पर मैं भी योगा करती हूँ तभी मेरे को आराम नहीं आया अभी मैंने सुना। अच्छा, योगा कौन सा करती है? यही टांगों वाला करती हूँ जी, जो बाबा रामदेव जी बताते हैं अभी, वो थोड़ा घुटनों की कर लो, साइकिलिंग वाली भी कर लो, थोड़ा सा दो चार बार वो वेट लूज करने वाला भी कर लो। अच्छा, आप कब से गौंसिया ले रही हैं? गौंसिया तो मेरे को 3 महीने हो गए जी, बस थोड़ा सा रह रहा, खत्म होने वाला है। ठीक है ठीक है जी। अच्छा देखिए, अगर आपने वो एक्सरसाइज की जो बाबा ने बताई है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकती उस एक्सरसाइज से, आप कभी ठीक नहीं हो सकती। वो साइकिलिंग और वो जो कुछ बाबा बताते हैं वो बिल्कुल ना करें, तब गौंसिया खाएं। इसमें एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है, टांगों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है, जिसके कमर में और टांगों में घुटनों में तकलीफ हो उसकी एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है, वो बिल्कुल रोक दीजिए। और कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, अगर आप ये भी करती हैं, और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, अगर करती हैं तो रोक दीजिए, तब गौंसिया खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद वर्मा साहब, बहुत आपका स्वागत है। सर अभी 2 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन कुछ मेरा सिस्टम रह गया था, उसका आंसर ना है कि हाइपर थायराइडिज्म है हमारी पत्नी को, और एज है 62 साल, 62 साल एज है, हाइपर थायराइडिज्म है, इसका नुस्खा बता दीजिए, और सूखती जा रही है, 8 किलो वजन घट गया जी। और दूसरी बात यह है, क्या हाइपर और हाइपो का एक ही नुस्खा है? तकरीबन जी जी। हाँ अब बताइए। देखिए हाइपर और हाइपो का तकरीबन एक सा नुस्खा है, थोड़ा सा फर्क है। और इसमें होता क्या है कि गले में यहाँ ग्लैंड्स हैं जो अपना काम गलत करने लगते हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक होता है वजन कम करने वाला, एक होता है ज़्यादा करने वाला। तो जिसका वज़न कम हो रहा है उनको चाहिए कि ये नुस्खा लें जो मैं बता रहा हूँ, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम मिलाना है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको खूब बारीक पाउडर बना लें, और आधे से एक चम्मच एक बार में खा सकते हैं। सुबह अपनी गोली के जो आप दवा खाते हैं इसकी, उसके आसपास खाना है, और रात को सोते समय खाना है, पानी के साथ खाना है, और इसे इस्तेमाल करें तो आपको पत्नी को फायदा मुमकिन है। जी स्वागत है आपका। मेरे ना लत्ता से बहुत दर्द होता है, नसा मतलब बहुत ज्यादा नीलियां नीलियां बाहर आ रही हैं।
नसों में दर्द होता है, नीली नीली नसें बाहर आ रही हैं, यानी वो फूल रही हैं। अच्छा, टांगों की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, टांगों की। ठीक है ठीक है। देखो, ये नसों में दर्द होना, नीली नीली नसें बाहर आना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, थाइज में दर्द होना, पंजों में दर्द होना, ये एक उम्र जिन जब हम 40-45 के हो जाते हैं उसके बाद कभी भी ये तकलीफ हर आदमी को आती ही है। अब इसका एक इलाज है बहुत अच्छा, और इलाज से पहले हिदायत है। हिदायत यह है कि जिनको भी ऐसा तकलीफ हो वो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, कुर्सी वाले शौचालय का यूज़ करना शुरू कर दें और झाड़ू पोछा करना बंद कर दें। ये दो बातें पर गौर करें, इन्हें रोक दें। और गौंद सियाह आता है, एक आता है गौंद सियाह जिसे काला गौंद भी कहते हैं, ये मार्केट में नकली बहुत मिलता है, असली आप ले पाएँ। गौंद सियाह यानी काला गौंद खरीद लीजिए, 100 ग्राम भी मिल गया असली तो आपका काम हो जाना चाहिए। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, इतना बड़ा सा आता है काला, जायके में कड़वा होता है। इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद दूध या पानी से यूज़ कर लिया करें। अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो इसमें इतनी ताकत है कि 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपको फायदा पहुंचा सकता है। जी, आरती शर्मा जी से बात कर लेते हैं। स्वागत है मैम आपका। आरती जी, आरती जी सवाल करिए मैम। मेरे पापा को शुगर रहती है। अच्छा। हाँ जी, ये उनको ना बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, वीकनेस वगैरह। उम्र कितनी है सर की उनकी? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते आरती, आपके पापा को शुगर है, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 55 साल है मैम। ठीक है जी। अच्छा देखिए, शुगर एक बार जिसको लग गई वो अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर कोई कहता है कि है जो शुगर को हमेशा के लिए ठीक कर दे तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा बेईमान आदमी है। अभी तक पूरे संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो शुगर को परमानेंटली अच्छी कर दे। हाँ, इलाज बहुत है शुगर कंट्रोल करने के। एक दवा आपके पापा खाते होंगे, वो खाते रहें, और एक दवा मैं बताता हूँ, ये संसार की सबसे तेज़ असर दवा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको असली खरीद ले, ये नकली भी आती है। इसे कहते हैं जामुन का गौंद। जामुन जो आप आमतौर पर खाते हैं इसका गौंद आता है, गौंद जामुन ले ले और सिर्फ 1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी शाम खाने से पहले अपने पापा को खिला दिया करें, आपकी पापा की शुगर कंट्रोल रहना मुमकिन है। गुरमीत कौर जी स्वागत है आपका। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। कर लीजिए जी, बात हो रही है, आपका स्वागत है। मेरे ना जी अपनी ग्राफ जी। हाँ जी, मेरे ना मतलब जोड़ा के भी दर्द बहुत होता है। जोड़ों में? हाँ जी, जोड़ों में दर्द है। हाँ जी, मेरे ना उंगली भी मतलब कटी हो गई है। क्या हो गई है? गला मेरी मतलब टेढ़ी हो गई है। गर्दन टेढ़ी हो गई है? उंगल हाथ से उंगल। टीम साहब नहीं, मैम मैम बात ना समझ में नहीं आ पा रही है, दोबारा बोलिए। हाथ ना मेरे हाथ मतलब जोड़ जेटे उंगला दे जोड़ हाथों के जोड़। हाँ जी, मतलब टेढ़े हो गया उंगले। टेढ़े हो गए? अच्छा ठीक है। हाँ जी, पर मतलब गठ जी बन के ना डॉक्टर मतलब ने बहुत चीज़ का नहीं बहुत बात डॉक्टर ने गठिया बताया है।
नहीं जी, वैसे मैं चेक तो नहीं हाले करवाया जी। अभी चेक नहीं करवाया? नहीं जी। ओहो, ये परेशानी कब से है? वैसे तो दर्द जी काफी देर से हो रहा है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कर दी है, मेरा हस्बैंड आया है, इस करके मैं मेहनत करनी पड़ी ज्यादा। ठीक है, अच्छा बेटा जी, देखो जी। टेस्ट जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल, गठिया का एक टेस्ट होता है जिसे आरए टेस्ट कहते हैं, आरए टेस्ट कहते हैं, वो कराना चाहिए। और देखो उसका इलाज भी बता देता हूँ क्या है। अलसी तो आप ज़रूर जानती होंगी, अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें, उसको हल्का सा भून लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गौंद सियाह, काला गौंद इसे कहते हैं, गौंद सियाह खरीदें और इसको पाउडर बना के रख लें, अलग अलसी अलग रखें, गौंद सियाह अलग रखें, गौंद सियाह 2 चुटकी और अलसी आधा चम्मच, गौंद सियाह 2 चुटकी और अलसी आधा चम्मच मिलाकर रोज़ाना 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से आप लिया करें, और 6-7 महीने अगर इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। वैजंती हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। बोलिए जी मैम, बताएं, सवाल कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अरे घुटनों में दर्द है तो इसके लिए बात करना। मैम आवाज आपकी बहुत धीरे। घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कितनी उम्र है? घुटनों में दर्द है तो शर्मा जी से बात हो जाएगी क्या? किससे बात हो जाएगी? शर्मा जी से बात हो जाएगी क्या? घुटनों में दर्द है हमारे। शर्मा जी जी। हाँ, अच्छा आपने आपने कहीं दूसरी जगह बात करनी थी शायद। मुझे घुटनों के दर्द के लिए गौंद सियाह लेना चाहिए, गौंद सियाह आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं और खाने के बाद खाएं तो आपको फायदा होना मुमकिन है।